25 ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ଲଖପତ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଗାଁରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଉଠାବସା କରୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ। 25 ସାଲ ବାଦ ଆପଣା ଗାଁ ଲୋଟେ ହେଁ, କେସା ଲାଗ ରହା ଆପକୁ? 25 ସାଲ ବାଦ ଆପଣା ଗାଁ ଲୋଟେ ହେଁ କି ଦେଖିବାର ବାଦ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ। ଅଭି କିସେ କିସେ ମିଲେ ହେଁ, ଗାଁ କା କୌନ କୌନ ସା ଆଦମୀ ସେ ମିଲେ ହେଁ? गांव से अपना बिरियम दादा जलोय बीटोर ये सब को मिला। आपको सबका नाम याद है, जो आपका दोस्त थे या जो आपका संपर्क थे सबका नाम याद है आपको? यार सबसे मिल रहे हैं, अभी कैसा लग रहा है? हाँ सर, मिल के अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। अभी यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से जाने का फिर मन कर रहा है? यहाँ से हमको जाने मन नहीं कर रहा, अच्छा ही लग रहा है। आपने यहाँ अच्छा महसूस, अच्छा मौसम लग रहा है। यहाँ पे आज सुबह क्या खाए थे आप? सुबह रोटी तरकारी और चाय। गांव का सब्जी ठीक लग रहा है नहीं? गांव का सब्जी हमको अच्छे ही लगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे 25 साल पहले यहाँ पे थे, आपको यहाँ से जाने का मन क्यों किया? क्या सोच के घर से निकले थे? अकाल पड़ने के बाद घर से निकले थे हम। अकाल पड़ने के बाद निकले थे, कुछ रोजगार करेंगे सोच के। मतलब सुंदरगढ़ से निकले, अपना गांव से निकले, फिर कहाँ गए थे आप? आंध्र प्रदेश गए थे। उसके बाद कैसे में रहे? कैसे उसके बाद फिर पाकिस्तान को कैसे जाना हुआ, किसके साथ गए थे? अकेले लौट गया, कैसे? ट्रक में गए। अच्छा, ट्रक में बॉर्डर पहुंच गए थे। हाँ। उसके बाद बॉर्डर को कैसे क्रॉस किए? तार दिया रहता है बॉर्डर में, उसको कैसे क्रॉस किए? हाँ, रिजेस पार हुआ चुपचाप से। अच्छा, एक आदमी था वहाँ, हम लोग घर दरबार का समेल ना, बहुत ऊंचा का आदमी। अच्छा, थोड़ा सा हमको पीछे तरफ अब बूंद लगाने रहा, हम किनार हो गए। उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर में आपको पहले कौन देखा था? पाकिस्तान बॉर्डर कोई नहीं देखा। गांव का कोई आदमी देखा था? वहाँ नहीं देखा। और कोटलात में तो रह गया, कोटलात जेल, वहाँ से कहीं नहीं गया। तो आपको बॉर्डर में पुलिस देखा था पहले? नहीं, वही बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी देखा था आपको? फिर वो कहाँ ले गया आपको, अपना घर ले गया कि पुलिस थाना ले गया? कोर्ट रात में गुड़ बंद कर दिया। रात भर वहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद सुबह वहीं रह गए। मेरे सामने दो आदमी मर गया। कैसे? अपने घर में रहते, जेल में, वहीं जेल में, मतलब घर में दिन में मार ले गया।
अच्छा, जेल में उसको इतना मारे कि उसका मौत हो गया। हाँ, मौत नहीं, नहीं पीटा, मारा पीटा ही किया। गर्दन में, गर्दन में ऐसा चिप लिया। अच्छा, दो दिन हुआ कि मर गया। कौन चिपा, पुलिस? नहीं, आपस में। तो वही रहता था, चाभी तला घाट का चाभी तला घुटता है, चाभी तला बंद करता है, चाभी तला वही आदमी। अच्छा, आपका पैर का जो नाखून टूटा था वो कैसे टूटा था? बरसात ठेस लग गया ऐसे। पुलिस मारा पीटा था या? अभी फिर वहाँ पुलिस क्या बोला आपको? कुछ भेज देता है, दिल्ली चला गया कहती। आपको पुलिस क्या बोलता था? आप भारत से आए हैं, जासूसी करने आए हैं कि क्या बोलता था? हम, मेरे को याद नहीं करना ऐसा बोला। उसी याद पे अच्छा, गड्डी में हम बैठ कर दिन में वहीं रह गया स्टेशन में, बैर डूबा के और ले गए गाड़ी से बस दिल्ली में। आपको क्या बोलता था? आपको सजा क्यों दिया गया, आपको कुछ बोलता था? नहीं बोला। आपको कोर्ट में आपका पेशी हुआ? कोर्ट ले गया था आपको? नहीं लिया, वहाँ से कोर्ट भी लेके नहीं गए थे। आपका गुनाह क्या है आपको नहीं बताया? नहीं बताया। आपको कितना साल रखा वहाँ पे जेल में? जेल 1 सप्ताह। एक सप्ताह के बाद छिन्न भिन्न होकर जी में बैठा कर ले गया। 3 दिन हो गए, दिन रात गड्डी में बैठ के इधर आए। तो अभी वहाँ पे जो आप जेल में जब थे तो कितना साल तक आपको अकेला रखा, फिर आपको फिर दोस्त मिला, आपको कैसे हुआ वहाँ पे? जाने समय, दिल्ली जाने समय 5 आदमी रहे गाड़ी में। नहीं, वहाँ जेल में कितना आदमी थे? जेल में नहीं रहा वहाँ, हम अकेले रहते थे। हाँ, 5 आदमी गए उसी घर में, वही 4 आदमी वही छोड़ रखा, उधर नहीं गए। हम केवल निकाल, 5 आदमी में से 4 आदमी को वहाँ छोड़ दिया और आपको अकेले ले गया। वो पांचों क्या भारत से थे कि वहीं पाकिस्तान से थे? भारत। और वहाँ पे जेल में कैसे खाना ठीक मिलता था? मिलता था। जेल में क्या करते थे वहाँ पे, काम वाम कुछ करते थे? नहीं करते, सुतले रह गए, उठना बैठना। बंदूक नहीं, वहाँ बंदूक नहीं। और वहाँ पे सब दोस्त बने पाकिस्तान जेल में? हाँ। वो क्या बोलते थे आपको, आपका दोस्त लोग? कुछ नहीं बोलता था। घर जाओगे ऐसे कुछ बोलते थे? नहीं बोला। आपको जब यहाँ लाया गया वहाँ जेल में, आपको दोस्त लोग क्या बोला आपको? घर जाओ अच्छे से रहो, बोला? नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। अभी जब यहाँ आ गए हैं तो ठीक लग रहा है ना? हाँ। वहाँ पर जब जेल में थे आप क्या सोचते थे, अपना घर जाएंगे सोचते थे? नहीं सोचा, घर का याद आता था। हाँ, रास्ता उठता है। कब घर जाना होगा सोचते थे ना?
समय से सत्य आया। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଗାଁର ପରିବେଶ, ଗାଁର ମାଟି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଭଳି ଯାଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ଗାଁର ପରିବେଶ, ଗାଁର ମାଟି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ସେ ଖୁସିରେ ଏଠି ରହିପାରିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।